Assalamu alaikum guys, how are you all doing? I hope that you all are doing well. This is Muneeb Tahir and welcome back to another video. And today's video is going to be really interesting and also really important because I'm going to tell you the most common mistakes made by the students when they just first go to the university. Okay, so first of all, I want to say thank you. Thank you all of you. My target was 300 subscribers or up 300 se zyada hai. So, ye sab aapki wajah se possible hua, theek hai. तो ऐसे ही कीप सपोर्टिंग यार, और अगर इस वीडियो के लास्ट में आपको लगे कि आप इस वीडियो से फायदा हुआ है तो एज ऑलवेज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेट्स डाइव इनटू इट। ओके सो फ्रेंड्स, फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द डूज एंड देन वी विल टॉक अबाउट द डोंट्स ऑफ कॉलेज और यूनिवर्सिटी। अच्छा तो यार, सबसे पहले आप जब यूनिवर्सिटी जा रहे होते हैं तो आपको ज़्यादा कुछ माहौल का पता नहीं होता, ठीक है? तो स्टार्ट में जाके थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करना, इट इज़ नॉर्मल। तो इस बात पर ना आपको ज़्यादा नर्वस नहीं होना है, ठीक है? कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि जो जाके स्टार्ट में ना थोड़ा नर्वस हो जाते हैं, तो नर्वस बिल्कुल भी नहीं होना है, आपको साथ साथ सब कुछ समझ आता रहेगा। ओके, तो इज द फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि जो आपको करना है, दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइज योर सेल्फ। Keep yourself organized, yaar. Especially if you are going to hostel, you must be excited and you must be sad about it because zahir hai ghar walon se dur jana hota hai, especially first time agar aap meri tarah ja rahe hain, to I can definitely understand your feelings. To aisa hai ki hostel life is great, yaar. To aapne jee bhar ke enjoy karna hai, which is the second point after time management. Time manage karne ka matlab aapko bata dun guys. Time manage karne ka matlab ye hai ki aapne sab kuch karna hai. सब कुछ करने का मतलब ये है कि आपको जितना टाइम आपके पास है ना, उसमें आपको अपना सब कुछ करना है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ पढ़ाई करते रहो, ऐसा नहीं आप सिर्फ खेलते रहो, ऐसा नहीं आप सिर्फ सोए रहो, नहीं, आपने सब काम करना है। और जो है, जो गिवन टाइम है, जो के जो है आपकी टाइम लाइन है, उसके अंदर अंदर करना है। द सेकेंड थिंग यार, इंजॉय करना नहीं भूलना। यू शुड इंजॉय योर लाइफ एट द बेस्ट यार। इंजॉय किस तरह करना है? इंजॉय करने का यार ये मतलब नहीं है कि आप सोए रहे हो, सोए हुए हो फुल टाइम। उसका ये मतलब नहीं है कि आप फुल टाइम चिल कर रहे हो, पढ़ाई नहीं। यार इंजॉय योर स्टडी, इंजॉय योर करियर। लाइक बहुत से लोग होंगे जिनको बहुत शौक था इंजीनियर बनने का, जिनको बहुत शौक था डॉक्टर बनने का, बिजनेसमैन बनने का। नाउ दे आर इन देयर फील्ड्स, दे आर जस्ट अबाउट टू ज्वाइन द यूनिवर्सिटी। तो ये खास एक्साइटमेंट होती है, इस एक्साइटमेंट को उसी ये उसी लेवल पे रहती है। बट ये है कि हम कभी कभी जो है ना, इसको बस हल्का ले रहे होते हैं कि यार चलो अब हो गए। नहीं, कीप योर एक्साइटमेंट एट दिस लेवल, जिस लेवल पे ये अभी है। अगर इसको डाउन करोगे ना यार, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मैंने आज तक जो है अपनी एक्साइटमेंट को वही रखा है, तो मुझे बहुत फायदा हुआ है, वरना शायद मैं कब का भाग गया होता यूनिवर्सिटी से। तो आपने जो है डीमोटिवेट नहीं होना, कीप योर सेल्फ सेल्फ मोटिवेटेड। दिस इज द थर्ड पॉइंट। You don't need to listen to any damn motivational speaker, यार, trust me। अगर आपको life के 20-22 साल गुजारने के बाद इस दुनिया में आपको कोई दूसरा बंदा ज़रूरत पड़ रहा है आपको motivate करने के लिए, तो यार मतलब this is मतलब मुझे ये बात ठीक नहीं लगती है यार। मैं बताऊँ यार, सबसे बड़ी motivation क्या होती है? सबसे बड़ी motivation होती है आपके parents। आप उनसे इतना दूर जा रहे हो, वो माँ के जो जब तक खाना नहीं खाती है और बनाती भी नहीं है कि मेरा बेटा अभी स्कूल से वापस आएगा तो मैं ताज़ी रोटी बनाऊंगी, अभी बनाई तो ठंडी हो जाएगी, तो वो वेट करती है। वो जब तक आप घर वापस नहीं आते हो, जब दोस्तों के साथ गए होते हो, दरवाजे पर बार बार चक्कर लगाती है। आई एम जस्ट टेलिंग यू एन इमोशनल स्टोरी यार, जस्ट फील इट। यस, उनसे बड़ी कौन मोटिवेशन हो सकते हैं यार? आप ना स्टिकी नोट पे जो है वो पिक्चर लगा के अपना अपने डेस्क पे लगा लो, अपने बाबा की, अपनी मामा की, ताकि आप सेल्फ मोटिवेटेड रहो। आपको जो आपका शौक है ना, वो आप लिख लो। मैं बहुत बार जब एग्जाम होते हैं ना, मैंने बहुत बार अपनी कॉपी पे लिखा है कि यू विल बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इससे बड़ी मोटिवेशन क्या हो सकती है यार? अगर आपको डॉक्टर बनना है जो है, लिख के लगा लो यार रूम में कि यू विल बी द बेस्ट डॉक्टर, ताकि जब डाउन फील करो, जब उस पर नजर पड़ेगी ना, कसम से यार थकावट चकावट तो गई, मोटिवेशन की कोई जरूरत नहीं। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि फ्रेंड्स बनाने हैं और अच्छे फ्रेंड्स बनाने हैं। योर कंपनी शुड बी गुड, और वो ऐसी होनी चाहिए कि जो ये ना करे कि सिर्फ किताबों में घुसी हुई हो, ऐसी ना हो कि जो सिर्फ हर वक्त आपकी मतलब कंपनी में हर टाइप का बंदा होता है। बट ये है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि आप फ्रेंड्स ही ना बनाओ, ठीक है? थोड़ा सा सोशल रहो और यू विल इन्जॉय अ लॉट। फिर आते हैं हम डोंट्स की तरफ।
जैसा कि यार मैंने आपको डूज में सबसे पहले बताया कि टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, डोंट्स में भी सबसे इंपॉर्टेंट वो यार फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। टाइम वेस्ट करने का ये मतलब हरगिज नहीं है कि आपने जो है क्या नहीं करना है कि आप अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप अगर जो है खेल नहीं रहे हो उसका मतलब भी ये नहीं है कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। फिर टाइम वेस्ट करने का मतलब क्या है, कभी सोचा है कि टाइम वेस्ट करने का मतलब क्या है आखिर? तो यार टाइम वेस्ट करने का मतलब ये है कि यू आर जस्ट स्पेंडिंग योर आवर्स ऑन समथिंग व्हिच इज नॉट प्रोडक्टिव। फॉर एग्जांपल यू आर वॉचिंग रील्स फॉर 5 hours, द हेल, लाइक व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ यार? यू वांट टू बी एन इंजीनियर एंड यू आर जस्ट स्पेंडिंग योर 5 hours ऑफ योर डे इन जस्ट वॉचिंग रील्स, व्हाई? लाइक तो यार ऐसा नहीं करें, रील्स भी देखें यार, पढ़ाई भी करें, सब काम यार सब काम इंजॉय करके करें। यू शुड नॉट बी फ्रस्ट्रेटेड, इन 4 सालों में आपकी फ्रस्ट्रेशन वगैरह खत्म होने वाली है, यूनिवर्सिटी आपको इतना फ्रस्ट्रेट करेगी, बट स्टिल आई से यूनिवर्सिटी लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। अच्छा एक और काम जो नहीं करना आपको, नेक्स्ट काम ये नहीं करना कि टीचर्स के साथ ना अपना तल्लक नहीं खराब करना। मैं ये भी नहीं कह रहा यार जाके ज्यादा उठाओ, ठीक है ना उठाओ यार, ग्रेड्स फिर भी मिल जाएंगे आपको। कब मिलेंगे? जब आप टीचर्स के सारे रूल्स पूरे कर रहे हो, दैट्स इट। वो कहता है टाइम पे आओ तो टाइम पे जाओ, ये करने की क्या जरूरत है? जिद में आके बंदा के टाइम पे नहीं, और उल्टा आपको ही नुकसान होगा। जो अपने फायदे की बात है करो यार, जस्ट ट्राई टू बी अ बिट सेल्फिश, ठीक है, यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज क्या नहीं करना, डोंट ट्रस्ट एनीबॉडी। ट्रस्ट करने का मतलब नहीं आप जाओ कहो भाई मुनीब भाई ने कहा था ट्रस्ट नहीं करना, आई विल नॉट मेक फ्रेंड्स। मेक फ्रेंड्स यार कोई मसला नहीं है, बट डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम देम। तो मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप किसी की हेल्प ना करो, बट करके भूल जाओगे, ठीक है, ये है यार, दैट्स इट, जस्ट डू इट फॉर गुड, नॉट डू नॉट डू इट फॉर अ रिटर्न कि यार आज मैं कर रहा हूँ कल वो भी कर। नहीं, ये कोई कंसेप्ट नहीं है, ये यूनिवर्सिटी नहीं, दुनिया का ये कंसेप्ट है ही नहीं भाई। 4 साल में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और लड़कियों पर ट्रस्ट बिल्कुल नहीं करना है, आपसे पूरा सेमिस्टर ये ना हो आप उनके असाइनमेंट्स करते रहो, आप जो है वो गर्ल्स नाराज नहीं होना यार। लाइक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेल बॉयज द ट्रूथ, डोंट ट्रस्ट गर्ल्स इन यूनिवर्सिटी, वरना शायद आपको असाइनमेंट्स करने पड़े, उनके क्विजेस देने पड़े, उनके अटेंडेंस भी कभी कभी लगानी पड़े, एंड एट द एंड ऑफ द डे वो CR लेके जा रहे हैं आपकी बंदी भाई, बस यही होना है। अच्छा यार बात सुनो, टू जस्ट फॉर फन, बट स्टिल ये भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज द ट्रूथ यार। ये मतलब मैं देखता हूँ कुछ लोग कर रहे होते हैं, फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, आई एम नॉट टॉकिंग टू ओनली बॉयज या टू ओनली गर्ल्स, आई एम नॉट टारगेटिंग एनीबॉडी, बट ये मैं सिर्फ जनरली बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। सर मैं बंद कर लेता हूँ वीडियो, आप आके अपने आलू बेच लें। देखें यार इतना ज़्यादा मतलब, देखें मुझे पसीना आया हुआ है, फ़ैन भी ऑफ है यार, इतनी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। अच्छा यार नेक्स्ट चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना जो आपको नहीं करनी है, बुक्स मत खरीदना। कुछ लोग होते हैं यार, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं नए नए जी FSC से जा रहे होते हैं, ठीक है, तो जिस तरह FSC तक नई नई बुक्स खरीदते थे वो यूनिवर्सिटी में भी क्या करते हैं, पहले कोर्सेज वगैरह देख लेते हैं, इतना एंथुजियाज्म होता है ना कि यार बस पढ़ना है, बस आग लगानी है, जाके जी बुक्स ले लेते हैं 10-15 हज़ार की। ऐसा नहीं करना है यार। और अगर जो है आपको एक तो बुक्स नहीं लेनी है, अगर सेमेस्टर में आपको लगे कि ये बुक्स इंपॉर्टेंट हैं और आपको वाकई कोई बुक्स हैं वो काम आ रही हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि यार ओल्ड बुक्स खरीदें। हाँ अगर मजबूरी है कोई, लाइक इफ़ यू नीड द लेटेस्ट वर्जन और वो इंपॉर्टेंट है, फिर तो ये मतलब एक मजबूरी आपको लेना पड़ेगा, बट ये कि कोशिश करें पुरानी बुक्स से आप ले लें, खरीद लें, वो आपको ये है कि काफ़ी फ़र्क पड़ेगा इसमें, कोई मतलब इस तरह की बात नहीं है कि कोई बुरी बात है पुरानी बुक्स में, ठीक है। अच्छा यार नेक्स्ट चीज़ जो आपको नहीं करनी है ना, तो मैं बिल्कुल नहीं कहता कि यू शुड नॉट डू, बट यू शुड अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन। अब कुछ लोग होते हैं प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, वो स्टार्ट से करते आ रहे होते हैं, कुछ लोगों को ये ठीक भी आता है, मतलब उन्हें इतना प्रॉब्लम नहीं होता, बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इससे फिर बाद में यार उनके पास लास्ट में प्रेशर। अच्छा अगर इसका मतलब ये है कि यार आपको जो है वो काम टाइम पे करना है, ये नहीं कि सुबह मतलब काम को आखिर तक नहीं छोड़ना है, आखिरी टाइम तक कि सुबह जी असाइनमेंट सबमिट करना है आपको आज 12 बजे ही करना है रात को, नहीं ऐसा नहीं करना है यार, साथ साथ काम करेंगे और ये सब मस्ती के साथ ये पॉसिबल होता है, ठीक है, तो इट इज़ नॉट अ बिग थिंग। अच्छा इसके अलावा यार एक चीज़ मैं मेरे जहन से निकल गई थी, क्या करना है, तो स्पेशली अगर आप IT स्टूडेंट है ना, तो एक लैपटॉप ज़रूर ले लेना पहले यार, बहुत ज़रूरी है लैपटॉप, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर से ही बहुत लोग कहते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में तो इतना काम नहीं, ये वो, नहीं यार आप फर्स्ट सेमेस्टर से ही ले लें, बहुत अच्छी बात है।
अब इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप जाके बस पेरेंट्स के सर पे खड़े हो जाएं, भाई मुनीब भाई ने कहा है बस बहुत इंपॉर्टेंट आसमान की, ऐसी भी बात नहीं है। लाइक यू ऑल्सो यू हैव टू सी कि अगर अगर ले सकते हैं मतलब इजीली तो ज़रूर लें। ओके सो गाइस, आई थिंक दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। मेरे दिमाग में जितनी भी बातें थी वो तो मैंने डिस्कस कर ली। अगर कोई रह गई है तो अगर कोई सीनियर देख रहा है तो यार ड्रॉप इट इन द कमेंट्स, ताकि जो है वो दूसरे लोगों को इससे फ़ायदा हो सके। आई होप यू लाइक द वीडियो, और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई तो मुझे वो भी कमेंट्स करके बताएं कि क्या जो है इसमें बेहतरी आ सकती है। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, सारी आपकी सजेशन जो है उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ और उन पर अमल करने की कोशिश करता हूँ। ओके गाइस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखें, कीप स्माइलिंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा गाइस, एक दो बातें यार मैं बताना ही भूल गया, पता नहीं किस तरह मेरे जहन में निकल गई। अभी जो है मैंने देखा है तो मुझे याद आया, मैंने कहा यार ये तो बोला ही नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, टाइम मैनेजमेंट, यार उससे भी ऊपर एक चीज़ है जो कि आपको नहीं करनी है और जो कि आपको करनी है, वो ये है कि नमाज पढ़नी है और नमाज को कभी छोड़ना नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अभी मैंने नमाज पढ़ी तो मुझे याद आया, मैंने कहा यार इतनी इंपॉर्टेंट बात किस तरह रहेगी मुझसे।